कक्षा में जो फ्रेंड का जो वातावरण बहुत महत्व रखता है। फ्रेंड वातावरण से तात्पर्य ये है कि पोस्टर का निर्माण करना, चार्ट का निर्माण करना, कोई बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड पे जो कुछ स्लोगन लिखवाते हैं। प्रिंट वातावरण में हम कक्षा में अपने कक्ष के अंदर इसका कैसे उपयोग करें, इस पर हम शैक्षणिक संवाद का ये विषय रखा है। बाजार तक और अपने घर से लेकर के टीवी, फिल्म, पिक्चर, मीडिया तक, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक, जो भी उसको प्रिंट के रूप में दिखाई देता है, तो वो प्रिंट समृद्ध वातावरण में खरीफ की, रबी की फसल की जानकारी दे सकते हैं, तिलहन की फसल की जानकारी दे सकते हैं, उचित है, अनुकूल है। और बाहर भी यदि कोई पे नहीं चले हम सुबह चलेंगे, तो हम सबसे पहले जो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की या प्रिंट समृद्धता की हमारे विद्यालयों में, और वो भी जीवन का अर्थ होगा, कोई भी एक साथी अनम्यूट करके बोल सकता है कि जीवंत का क्या अर्थ होगा, कोई भी साथी बताएं। हमारे परिप्रेक्ष्य में यानी शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा सक्रिय शिक्षक जो है जिसमें सक्रियता हो, उत्साह हो और वह एक ऊर्जा के साथ में अपना कार्य करे, तो वह जीवंतता कहला सकती है। व्यक्ति जो जागरूक होता है हम उसे जीवंत कहेंगे। भैरूलाल जी धाकड़ सर की भी बिल्कुल इसमें आ रही है। सभी से जुड़ा हुआ हो तो भी हम उसे जीवंत शिक्षक के रूप में मान सकते हैं। तो लगभग हम सही दिशा में जा रहे हैं साथियों। जीवंत जो शब्द है, जीवन से जुड़ा हुआ ही शब्द है। जो साथ अगर अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो विद्यालय हैं वह एक जीवंत विद्यालय के रूप में बन सकेंगे। सिर्फ अच्छी अच्छा बिल्डिंग का होना है ना, सभी सारी सुविधाएं होना पर्याप्त भर नहीं है साथियों। हम सबको एक समर्पण भी दिखाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमारे शिक्षिका को आमंत्रित कर रहा हूँ। बाला जाट मैडम शायद हमारे से जुड़ी हुई है, तो वो उनके विद्यालय से जुड़ी हुई है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वह अपना माइक के साथ साथ वीडियो भी ऑन करें और उनके विद्यालय में जो जीवंत विद्यालय बनाने की दिशा में कोई कदम। मात्रा सिखाने में मेरे को बहुत आसानी रहती है और पहाड़ सिखाने में बहुत मदद मिलती है सर। और लोग जो है निरंतर ये प्रयास करें, बहुत सारे विद्यालयों ने तो बहुत अच्छी प्रगति की है। इस अवधारणाएँ हैं जिनको हम मूर्त रूप में हमारी NEP 2020 के माध्यम जो कहती है, और वो जो है वो सजीवता लाना चाहती है इस हमारे विद्यालयों के माध्यम से, तो उसको हम साकार करने में तभी हम सफल हो पाएंगे कि जब हम सब लोग मिल करके एक सार्थक प्रयास करेंगे कि हमारे विद्यालयों को हम एक प्रिंट समृद्ध विद्यालय के रूप में विकसित करें जितना अधिक हो सके। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हारून जी अंसारी सर को कि विद्यालय को जीवंत कैसे बनाएं, क्या ऐसे कुछ तरीके हों जिनको हम करें। साथियों, बात चल रही है कक्षा कक्ष में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना और विद्यालय को जीवंत बनाना। तो विद्यालय को जीवंत कैसे बनाएं, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहले हम अपने ऊपर बात लेते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, हम किसी प्रकार का कोई टॉनिक नहीं लेते हैं या किसी प्रकार का कोई पोषण हमें अच्छा नहीं मिलता है, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, मरणासन पर आ जाते हैं। एक तरह से जीवन जीने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती है। ये हम अपनी बात कर रहे हैं ना, तो यही बात हम विद्यालयों पर ले। यदि विद्यालय को हम अपनी ओर से अच्छा टॉनिक नहीं देंगे, विद्यालयों को अच्छा पोषण नहीं देंगे, अब पोषण और टॉनिक से मतलब यहाँ ये है कि हमें अपनी ओर से जागरूक रह करके विद्यालय के वातावरण को बच्चों के अनुकूल बनाना है। इसके बाद टॉनिक की बात करें तो टॉनिक जो है वो है हमारा ज्ञान, हमारा संप्रेषण, हमारे संवाद, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का हमारा ढंग, बच्चों के साथ हमारे संबोधन, बच्चों के साथ हमारे संवाद, और उसके साथ साथ हमारी समझ, विषय पर हमारी पकड़। ये सारी चीज़ें यदि हम विद्यालय को देते हैं, बच्चे 10-15 दिन यदि आप बिल्कुल चैतन्य मन से पूरी ऊर्जा के साथ में अपने विद्यालय को अपने बच्चों के बीच में बैठ करके ये सारी चीज़ें देते हैं, तो पूरा वातावरण ही चेंज आपको दिखाई देगा।
विद्यालय जीवंत हो जाए। यहाँ अभी तक बच्चों की और विद्यालय की बात की जा रही है, मैं एक बात और यहाँ बीच में रखना चाह रहा हूँ कि शाला प्रबंधन समिति भी बहुत काम करना चाहती है या काम कर सकती है। यदि हम उन्हें थोड़ा सा जागरूक बनाएं, या फिर और भी जो गांव में सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या विद्यालय के कार्यों में रुचि रखने वाले जो लोग होते हैं, हम उन्हें भी चिन्हित करें अपने गांव में, अपने विद्यालय के परिवेश में, और वहां उन्हें आमंत्रित करके विद्यालय की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत करें, विद्यालय के विकास को लेकर उनसे बातचीत करें, विद्यालय के संसाधनों को लेकर के उनसे बातचीत करें, तो निश्चित ही जो कमियां हैं, जो पोषण का, जो आहार का जो वहाँ अभाव है, जो हम टॉनिक नहीं दे पा रहे हैं विद्यालय को जीवंत बनाने के लिए, वह उन लोगों से हमें प्राप्त हो सकता है। यदि सबसे पहले हम बहुत अपडेट होकर और अप टू डेट बच्चों के बीच में हमको बहुत ही अपडेट होकर जाना है, अप टू डेट होकर जाना है। जैसा हम वहाँ शाला में प्रस्तुत होंगे, बच्चे भी वैसा ही प्रस्तुत होंगे। जैसा हम शाला को प्रस्तुतिकरण देंगे, बच्चे भी वैसा ही शाला को प्रस्तुतिकरण देंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें बहुत अच्छे से तैयार होकर शाला में उपस्थित होना है, और बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो भी प्रतिदिन बहुत अच्छे से शाला में आए। तो मैं ये बात कर रहा था कि जहाँ जो हमारे गाँव में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो शाला के प्रति संवेदनशील है और शाला के प्रति बातचीत करना चाहते हैं, या हमारी जो प्रबंधन समिति है वे लोग हैं, तो उन लोगों से हम जो है सतत संपर्क बनाए रखें, और शाला में जो संसाधनों की जो कमी है या शाला में जो भी अभाव हमें दिखाई दे रहा है, देखिए हर बात के लिए शासन के ऊपर हमें आधारित नहीं रहना है, क्योंकि शासन जो हमें देता है वो लगभग पर्याप्त तो होता है, लेकिन हम कई लोग तो उसका उपयोग भी नहीं कर पाते, और जिन शालाओं में वो पर्याप्त नहीं दिखता है, वहाँ फिर हम जो है समाज से संपर्क करके शाला को जीवंत बनाए रखने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके लिए बहुत ज़्यादा साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात अपन कर रहे हैं कि प्रिंट समृद्ध वातावरण हो, तो उसके लिए आजकल हर गाँव में, हर कस्बे में, वहाँ पहुँच कर आप लोग कम खर्च में कुछ ऐसे प्रिंटेड प्रतियां बनवा लें, कुछ ऐसे प्रिंटेड पोस्टर तैयार करवा लें जिनकी हैंडराइटिंग गांव में अच्छी होती है, उन लोगों को आमंत्रित करें और अपनी शाला में कलरफुल कुछ कोटेशन लिखवाएं, कुछ कलरफुल चित्र बनवाएं, फूल पत्तियां निर्मित करवाएं, या बहुत सारे ऐसी जो आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी गतिविधियों को जहाँ हम शाला को सुसज्जित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वे सारी आप लोगों को मिल जाएगी। या फिर अंकुर पुस्तक जो हमें अभी प्राप्त हुई है, शिक्षक हैंडबुक, उसमें जब गतिविधियों की ओर हम जाएंगे तो वहाँ आप लोग देखेंगे कि उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शाला के वातावरण को सुसज्जित करने के काम में आती है, आप उसका भी अवलोकन करें। बगैर प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने में लगे, इससे पूर्व जो प्रशिक्षण हुए थे FLN के, उसमें भी हमने आप लोगों को कहा था बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं नीमच जिले में, और यहाँ तक कि हम तलहटी के क्षेत्र की शालाओं की बात नहीं करें तो ताल का जो मिडिल प्राइमरी विद्यालय है, जहाँ सरोज मैडम थे, अभी सरोज मैडम CM राइज में चले गए हैं, सरोज धाकड़ मैडम, उस विद्यालय को कभी आप जाकर देखना, जबकि चारों ओर जंगल है, घना जंगल है, और एक तरह से इस प्रकार का वहाँ वातावरण कि वहाँ उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, बहुत अच्छा सा गार्डन तैयार किया, उसके बाद दीवारों को बोलती दीवारें बनाई, और बच्चे भी इस तरह के वहाँ आते हैं कि लगता ही नहीं कि ये बैकवर्ड इलाके के बच्चे हैं। तो ऐसी कई शालाएं, मैं केवल एक शाला की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यदि हम अपने मनासा ब्लॉक की तरफ चले तो यहाँ कई सारी शालाएँ हैं, यदि नीमच ब्लॉक की बात करें तो कई सारी शालाएँ हैं, चौथखेड़ा में मैडम जैन मैडम का की शाला देखें, मनासा ब्लॉक में फुलपुरा की शाला देखें, तो ऐसी कई शालाएँ हैं। मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाएं आप, कभी आपको देखने का मौका मिले तब लगेगा कि आपको कितना या इन्होंने काम कर रखा है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, संभव है। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, खामोशियाँ यदि आपने अख्तियार कर ली, यदि आप खामोश हो गए तो बच्चे भी खामोश रहेंगे, आप भी खामोश रहेंगे, और काम कुछ बनने वाला नहीं। तो आप लोग क्या करें कि जितना आप लोग बोल रहे हैं उससे 5 गुना बच्चों को बोलने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना है। प्रशिक्षणों में आप लोगों को बताया गया था कि जब शुरुआती जब FLN के कार्य होते हैं
तो उस समय में बच्चों को बोलने के लिए आप लोग प्रेरित करते हैं। जितना ज़्यादा बच्चे बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग बोलेंगे, बोलने से मतलब निरर्थक नहीं बोलना है। जो हमारा अंकुर का अभी टाइम टेबल आपके पास है हिंदी और गणित का, उस दौरान में क्या बोलना है, किस प्रकार की गतिविधियाँ करना है, और पाठ्य पुस्तकों को लेकर जब हम कार्य करते हैं तो वहाँ क्या बोलना है, किस प्रकार की गतिविधियाँ करना है, यदि आप निरंतर इसमें सजग रह करके कार्य करेंगे तो वे शालाएँ जीवंत तो लगेगी। शालाओं को जीवंत कैसे बनाना है, ये सबकी अपनी अपनी तरतीब हैं, अपने अपने कौशल हैं। हम यहाँ से यह कह दें कि आप ऐसा करोगे शाला जीवंत बनेगी, आपको ऐसा करना शाला जीवंत बनेगी, ऐसा नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है, तो आप अपनी स्थिति परिस्थिति काल के अनुसार शाला को जीवंत बनाने के लिए कार्य करें, जुट जाएं। अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करना है, और बहुत ही शौक और जोक के साथ में, बहुत ही कह सकते हैं जुनून के साथ में उस कार्य को करेंगे तो हमारी शालाएं जीवंत बनी दिखाई देगी। इसके अलावा हमारे जो बीआरसी महोदय हैं, या जा हमारे तीनों ब्लॉक के बीआरसी महोदय, हमारे तीनों ब्लॉक के बीएससी महोदय हैं, है ना, इसके अलावा ज़िले में एपीसी महोदय बैठे हैं, जितने भी लोग कार्य में फील्ड में जाने के लोग जाने वाले लोग हैं, गाँव में पहुँचेंगे, वहाँ वे शिक्षकों को प्रेरित करेंगे, और प्रेरित कर आप उनसे कोशिश करेंगे कि ये सुझाव देने की कि वे शालाओं को जीवंत कैसे बनाएं, इसके लिए आप सुझाव देंगे। देखिए, सभी का सहयोग ज़रूरी है, केवल आज हम यहाँ डेढ़ घंटा बातचीत करेंगे उससे पूरे ज़िले भर की शालाएं जीवंत बन जाए संभव नहीं है। इसके लिए पूरी एकेडमिक जो हमारी टीम है, वो पूरी टीम अगर इसके लिए जुटेगी और कार्य करेगी तो निश्चित। कई लोग चित्रकारी में दक्ष हैं, कई लोग अच्छी हैंडराइटिंग में दक्ष हैं, कई लोग अच्छा बोलने में दक्ष हैं, कई लोग अच्छी कविताएं सुनाने में दक्ष हैं, कई लोग अच्छी कहानियां सुनाने में दक्ष हैं, कई लोग बच्चों को हंसाने में दक्ष हैं, कई लोग समाज के लोगों से अच्छा जुड़ाव बनाने में दक्ष हैं। तो अपनी अपनी दक्षता का उपयोग करके शालाओं को जीवंत बनाएं। 2020 की शिक्षा नीति जो है वह भी यही कह रही है कि हमें भयमुक्त वातावरण बनाना है, इससे जुड़ाव रखना है, बच्चों के बीच में भयमुक्त वातावरण बना करके खेल खेल में और गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करवाना है। तो ये गतिविधियाँ ही हैं, बहुत अच्छा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, ये गतिविधियाँ हैं, बहुत अच्छी चित्रकारी करना ये गतिविधि है, बहुत अच्छे लोगों से बातचीत करते हुए उनसे संसाधनों को जोड़ अपने विद्यालय के लिए प्राप्त करना ये भी गतिविधि है। और अभी एक बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कही थी, मुझे एक नया शब्द मिला है, माँ की बगिया। माँ की बगिया एक नया शब्द। देखिए, कई शालाओं में वातावरण है ऐसा जहाँ हम बगिया निर्मित कर सकते हैं, पानी भी पर्याप्त हो, माँ की बगिया आप जरूर निर्मित करें, फूल पत्तियाँ सब्जियाँ इत्यादियों को वहाँ लगाएं, और बाकायदा वहाँ छोटा सा एक बैनर लगा दें, एक उसका पोस्टर लगा दें, या वहाँ उसको जो चिन्हित कर दें कि ये लौकी है, भिंडी है, इत्यादि। लेकिन उसके लिए साथियों क्या है, आवश्यकता है जुनून की। यदि हमारे अंदर जुनून है, जो कहा जा रहा है कि जीवंत शाला बनाना है, और जीवंत शाला को बनाने के लिए जो कार्य हमें करना है उसके लिए भी हम थोड़ा सा समय निकाल लें, तो बात मानिए आप एक दो महीने में ही कई शालाएँ ऐसी दिख, या डाइट फैकल्टी अवलोकन करने आ जाए, या हमारे एकेडमिक अधिकारी हमारे यहाँ आ जाए और यहाँ आकर के देखें क्या हमारी शालाएँ कैसी है ना। तो ये सारी चीज़ें कब होगी, जब हम जो है निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो जहाँ तक प्रिंट समृद्ध वातावरण में, फिर उसी बात पर आता हूँ, मैंने बीच में सारी चीज़ें आपको दी है, लेकिन प्रिंट समृद्ध वातावरण को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारे गांव कस्बों में जितने भी आप लोगों को संसाधन मिल रहे हैं, कम खर्च में आप लोग प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाए शाला में, बोल की दीवारें बनाएं, और वहाँ जो है चित्रकारी करें। कई जगह हमने देखा है लकड़ी के पुट्ठों पर या शाला के आसपास जो चट्टानें निकली हुई होती हैं, बड़े बड़े पत्थर निकले होते हैं, उन्हीं को कलरफुल करके वहाँ कोई कार्टून बना दिया, वहाँ कोई पशु पक्षी का चित्र बना दिया, कोई कोटेशन लिख दिया, है ना। दीवारें ही ज़रूरी नहीं है, जहाँ हम बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ऐसे प्रिंट समृद्ध कोने तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बात आती है कि जब हम ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे भी इसमें सहभागिता निभाएंगे,
तो बच्चे भी कई ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का शौक होता है कि अच्छी चित्रकारी करें, है ना। कई बच्चे होते हैं जिन्हें भी आप लोग स्केच दे दें या कई कलर दे दें तो कई तरह के चित्र बना के वो आपको कागज़ देते हैं। तो आप उनको भी इसमें लगाए रखने के लिए उनके लिए संसाधन वहाँ उपलब्ध करवाएं, जितने भी TLM आप वहाँ ला सकें लाएं, जितने भी कलर की सामग्री हो वहाँ लाएं। 10 या 15 रुपए में आपको थर्मोकोल शीट आती है, आपको कुछ मैं लगातार बोल रहा हूँ। मंगला मैडम आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बताएं। मंगला मैडम बताएं आप। पुरोहित जी सर नज़र आ रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं क्या? अपना अनुभव बताएं। एक्सेप्ट यस सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ हमें थर्मोकोल की सीट यदि शाला में उपलब्ध हो जाए बच्चों को, तो एक सीट से लगभग 3-4 कोने तैयार हो सकते हैं। तो जहाँ तक प्रिंट समृद्ध वातावरण की बातचीत चल रही है, उन्हें हम जो है शालाओं को जितना भी अपने पास कौशल है, हुनर है, उसके साथ वातावरण तैयार करने में लगाए। और इसके अलावा हम अपने तरीके से अपने खर्च पर भी शालाओं में कई प्रकार के पोस्टर बैनर तैयार करके लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोग जो है इस प्रकार से जो हमारी मंशा है कि हम जो है प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाए, शालाओं को जीवंत बनाए। जीवंत बनाने के लिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आपकी शाला प्रबंधन समिति से आपका जुड़ाव हो, आपके गांव कस्बे के लोग, परिवेश के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो शाला से बहुत अच्छा जुड़ाव रखना चाहते हैं उनसे आपका बहुत अच्छा जुड़ाव हो, बच्चों के पालकों से जुड़ाव हो, आप स्वयं भी बहुत अच्छे वाचाल हो, सार्थक बोलने वाले हो, बहुत अच्छा बोलने वाले हो, बच्चों को भी बहुत अच्छा बोलते रहने का आप मौका देते रहे, इसके अलावा वातावरण को बहुत अच्छा सुंदर और सुसज्जित करने की कोशिश करें। और जहाँ तक हमारे पाठ्य वस्तुओं की बातें हैं, पाठ्य वस्तुओं की ज्ञान समझ और उनकी दिन भर की जो कार्य करने का जो हमारा मकसद है उसको एक दिन पहले तैयार करके हम शाला में ले जाएं और बहुत अप टू डेट अपडेट रहकर उस कार्य को करेंगे तो हमारी शालाएं जीवन कहलाएगी। ठीक सर, धन्यवाद, मुझे इतना आपने सुना। और निश्चित है अगले संवाद में हम चाहेंगे कि हमने जो कुछ भी हम आज आपसे बात कर रहे हैं उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं, उसमें आप प्रतिक्रिया देंगे कि अपनी शालाओं में आपने क्या सुधार देखा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी का। सर ने बहुत विस्तार से आपको विद्यालय को कैसे जीवंत बनाते हैं, कैसे बनाया जाना चाहिए उस पर आपसे चर्चा करी। पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब, एक दिन होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। प्रिंट समृद्ध वातावरण से बच्चे कैसे सीखते हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने इतने लोगों ने बताया कि प्रिंट समृद्ध वातावरण है क्या, तो प्रिंट समृद्ध वातावरण से हमारा आशय ऐसे सभी साधन जो दृश्य रूप में हमारे चारों ओर या आसपास जो हमारा वातावरण है उसमें उपलब्ध हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें बच्चों की, फ्लैक्स जिनके ऊपर किसी बात का प्रचार या बहुत सारे ऐसी सामग्री प्रचारित की जाती है, चित्र, होर्डिंग्स, कई जगहों पर लिखी हुई सूचनाएं और विभिन्न प्रकार के निर्देश जो यहाँ वहाँ सरकारी प्राइवेट कार्यालयों में बच्चों को और हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इन सभी सामग्रियों का उपयोग करके बच्चे कैसे सीखते हैं? साथियों आपने देखा होगा जब आप बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं तो बच्चे थोड़े से बोझिल रहते हैं, उनका जो है उत्साह नहीं बढ़ता। अगर उसी बच्चे को आप किसी कहानी या कविता की पुस्तक दे दें जिसके अंदर बहुत अच्छे चित्र भी हों तो बच्चा उस कहानी और कविता की पुस्तक को बड़े मज़े से पढ़ेगा और समझने का प्रयास करेगा। तो कृपया वे सामग्री सभी बच्चों तक ऐसी पहुंच में हो कि बच्चा उसे लेकर खुद पढ़ सके और उसका अपने लिए उपयोग कर सके। कुंडला विद्यालय जहां एक ऐसे शिक्षक है घनश्याम परमार करके, जिन्होंने उस विद्यालय में इतने ढेर सारे TLM तैयार किए कि उस विद्यालय को जीवंत बना दिया उन्होंने। हर कोना, हर दीवार, हर
वस्तु उन्होंने विद्यालय में सीखने लायक बना दी है। जी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं सबको बधाई देना चाहूँगी आज के संवाद में जिस तरह की चर्चा हुई है, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही कक्षागत जो विचार निकल के आए हैं और जिस तरह से सभी ने उदाहरण अपने साझा किए हैं किस तरह से क्लास को सुसज्जित किया जा सकता है बच्चों के लिए, ऐसा माहौल जो है अपने बच्चों को दें कि उनको, जैसा कि कई सारे शिक्षकों ने हमारे साथ साझा किया कि सभी को जो है सभी बच्चों को कक्षा में आने का मन करे और एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर बच्चों का पढ़ना वो हम उसे बेहतर कर पाए, अवधारणाएं हैं उसे प्रिंट के माध्यम से सहज बना सके, चाहे वो गणितीय अवधारणाएं हो चाहे वो भाषा संबंधी अवधारणाएं हो, कैसे हम ऐसा एक माहौल दें जिससे बच्चों को उनकी अवधारणाएं और जो है सुदृढ़ करने में जो हमारा प्रिंट समृद्ध वातावरण है वो उस चीज़ में उनकी मदद करे और कम से कम लागत वाले ऐसे हम रिसोर्सेज रखें अपनी कक्षा में जिससे ना प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने में हम जोड़ सकते हैं अपनी कक्षा में, वो भी एक बात मेरे ख्याल में हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है ध्यान में रखना। आपको बधाई दूंगी आज के संवाद के लिए और आगे के संवाद में भी जरूर जुड़ना चाहूँगी और सभी के जो विचार हैं उन्हें भी सुनना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। कि अपन बच्चों से किस संवाद से जुड़े, शाला में बच्चों के साथ इस प्रकार का वातावरण निर्मित करें कि बच्चा जब स्कूल आता है कुछ भाव लेके जाता है और जाते समय हंसते हंसते जाता है कि वापस मुझे स्कूल आना है। परिवेश को विशेष ध्यान रखते हुए बच्चों से जुड़ें कि बच्चा किस परिवेश का है, कौन से समुदाय का है। अब अलग अलग समुदाय की अलग अलग भाषा होती है। गाँव का परिवेश लें, गाँव के चित्र लें, परिवार का परिवेश लें, परिवार के बारे में बात करवाएं, परिवार की बात अपना तो स्वतः बता देगा। उस एक नवाचार से बच्चा चार चीज़ें सीख जाए ऐसा नवाचार हम कक्षा में और शाला में निर्मित करें। प्रिंट समृद्ध वातावरण हमने बना दिया और बच्चा उससे यदि सीख गया, बच्चे सीखते और हर बच्चे की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है तो बच्चों को उसकी क्षमता के हिसाब से बच्चों यदि सीख गया क्लास के हिसाब से सीख गया तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम एक दूसरे को जानकारियां शेयर करते हैं तो क्यों ना हम हमारे विद्यालय में जो नवाचार हुए हैं उनको वीडियो बना करके इमेज लेकर के और हम जो हैं एक दूसरे को सेंड करें जिससे कि अन्य विद्यालय वाले भी उससे भली भांति सीख सकें। जीवंत विद्यालय के कॉन्सेप्ट को अपनी समझ विकसित कर पाए होंगे और अपने विद्यालय को जीवंत बनाने का प्रयास करेंगे। जीवंत के बारे में जो मेरा विचार आ रहा है, जो मेरी समझ है कि कोई कलाकार यदि कोई मूर्ति या फोटो बनाता है तो उसको देखने के बाद हमारे दिमाग में विचार आता है कि इस फोटो को, इस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बोल पड़ेगी, तो शायद जीवंत विद्यालय से भी हमारा यही आशय है कि हम दीवारें तो बोलती नहीं, विद्यालय बोलते नहीं है, लेकिन हमारे विद्यालय का वातावरण ऐसा हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि उन बच्चों को लगे कि हमारा विद्यालय भी बोलता, हमारे विद्यालय की दीवारें भी बोलती, हमारे विद्यालय के शिक्षक तो बोलते ही, उन्हें बोलना ही है। लेकिन कभी कभी इसका विपरीत भी होता है, हमारे बच्चे भी होते हैं, विद्यालय भी होते हैं, दीवारें भी होते हैं, लेकिन शायद वहाँ सन्नाटा छाया रहता है कि बच्चा आना नहीं चाहता है, शिक्षक उस माहौल को जीवंत बनाना नहीं चाहते। तो मैं आज के शिक्षक संवाद के माध्यम से यह आशा और विश्वास करता हूँ कि जीवंत विद्यालय की हमारी समझ विकसित हुई होगी और हमारे विद्यालय का परिवेश ऐसा बने कि बच्चे या पालक आएँ तो उनको लगे कि हाँ ये विद्यालय भी बोलता है, हमारे विद्यालय में जीवंतता हो। तो आज के इस शैक्षिक संवाद के सफल आयोजन के लिए मैं समस्त केआरपी साथियों का, पूरे डाइट परिवार की ओर से, जिले की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे इस शैक्षिक संवाद की सफलता तभी होगी जब हमारे विद्यालयों में कोई जीवंतता का माहौल निर्मित हो, कुछ नवीनपन विकसित हो। उन आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
क्रांतिकारों।